अमृत महोत्सव देश में मनाया जा रहा है, जिसमें उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य योजना के अंतर्गत पार्श्वनी शहर और आसपास के गांव कस्बों में बिजली विभाग के कार्यालय द्वारा नागरिकों को बिजली विभाग की ओर से परियोजनाओं की जानकारी इस पथ नाट्य के माध्यम से दी गई, जिसके लिए नियमित कर्मचारी बाह्य स्रोत कर्मचारी इनके उत्स्फूर्त उत्साह से दिनांक 27 और 28 जुलाई 2022 को 4000 और 1000 जनसंख्या के लोक बस्ती में, जिसमें तामसवाड़ी और बिठोली गांव का समावेश था, जहां की साप्ताहिक बाजार का लाभ लेते हुए सौर ऊर्जा या पारंपरिक ऊर्जा के बाबत पथ नाट्य के कलाकारों ने उत्कृष्ट नाटक प्रस्तुत कर लोगों को जानकारी दी। पथ नाट्य में 50 से 60 कलाकारों ने पथ नाट्य सादर करते हुए सौर ऊर्जा के बारे में नागरिकों को जानकारी देने का काम किया। इस पथ नाट्य की पूर्व तालीम गायकवाड़ मैडम इनके मार्गदर्शन में श्री लोधी कालसर पे सूर्यवंशी मोहर अक्षय मिस संगीता स्नेह इनके अथक प्रयासों से यह पथ नाट्य तैयार किया गया था। इस दरमियान महावितरण के मार्फत दी जाने वाली योजनाओं के बारे में पथ नाट्य के माध्यम से जानकारी दी गई। वहीं अनेकों योजनाओं जिसमें प्रधानमंत्री कुसुम योजना, विलासराव देशमुख अभय योजना, कृषि धोरण 2020, महावितरण मोबाइल ऐप के बारे में जानकारी दी गई। इस योजना के फायदे, यह मूलभूत अधिकार सुविधाएं, इस बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में गजभिये सरपंच तामसवाड़ी और गोमकाली उपसरपंच तामसवाड़ी, चौधरी सरपंच बिडोली, दौड़ के उपसरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य एवं समस्त नागरिक उपस्थित थे। रात के समय भी हम सौर ऊर्जा का लाभ उठा पाएंगे। अगर पंप हमारा रात में चलता है तो पानी व्यर्थ हो जाता है, और अक्षय ऊर्जा के उपकरण जो है वो हमारे अगर गांव में लगेंगे, शहर में बसेंगे, तो भारत में ही नई नौकरियों का सृजन होगा। हाँ भाई, और तुम्हें पता है पिछले 8 वर्षों में अक्षय ऊर्जा ने करीब करीब 286% तक बढ़ोतरी की है ऊर्जा बिजली उत्पादन के क्षेत्र में, और आज भारत भी विश्व में अक्षय ऊर्जा के स्थान पे चौथे क्रमांक पे है। ऊर्जा से रोशन हो रहा है। भारत का कोना कोना नव ऊर्जा से रोशन हो रहा है। और आप सभी इस स्वतंत्रता महा ऊर्जा अभियान से जुड़े और स्वतंत्र ऊर्जा का लाभ उठाए जा रही है। और तो और अब तक 5 लाख किलोवाट में से 1 लाख किलोवाट तक का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। हाँ भाई, हाँ, वो तो पूरा कर लिया गया है, और देश का कोना कोना इस नवीन करोड़ ऊर्जा का लाभ उठा रहा है। तो फिर हमारे देश का किसान इतने वंचित कैसे रहे भाई? पार्श्वनी से BCN न्यूज के लिए संवाददाता रुपेश खंडारे की रिपोर्ट।